दीपावली यानी खुशियों और रोशनी का त्योहार, ये वो त्योहार है जिसे पूरा देश हर्षोल्लास से मनाता है। ये वो त्योहार है जिसे हर धर्म के व्यक्ति एकजुट होकर मनाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है शुभांक में। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। शुभांक में हम जुड़ते हैं शीतल बाखरे मैम के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और उसके साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट भी है। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो मैम किस तरीके से देख रही है और उसके साथ मैम क्या क्या रेमेडीज हमें सजेस्ट करने वाली है। बहुत बहुत नमस्कार मैम, आपका स्वागत है शुभांक में। नमस्ते मैम, आज का जो टॉपिक है ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज दीपावली पे ही हम बात करने वाले हैं और यही हमारा आज का स्पेशल टॉपिक है। दीपावली में जो लक्ष्मी पूजा होती है वो काफी इम्पॉर्टेंट है हिसाब से, और दीपावली में हर कोई इस पूजा को करता है। तो इस बार दीपावली में ये जो पूजा है इसमें हम क्या खास कर सकते हैं और किस तरीके से आप जिस तरीके से हमें रेमेडीज बताती है और उसके बाद माला माल होने का भी तरीका एक तरीके से आप हमें और हमारे दर्शकों को बताती है, तो इस बार दीपावली की पूजा में क्या खास होने वाला है और आप क्या नया सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? यस, आफ्टर 2 साल, मतलब जो लॉकडाउन के वजह से हम लोग काफी बार दिवाली नहीं मना चुके हैं, मतलब लाइक 2 साल से हम लोगों ने मन चाही दिवाली मनाई ही नहीं है। मतलब जो फटाके, जो स्वीट्स और जो हम लोग सब साथ में मिलते हैं वो हो नहीं पाया था। इस दिवाली काफी ब्राइट चांसेस है कि ये सारी चीजें साथ में होने वाली है। बहुत बार ऐसे होता है कि लक्ष्मी पूजा मतलब बहुत बड़ी अमावस्या होती है, सबसे बड़ी अमावस्या होती है, और उस दिन एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और अगर राशि के हिसाब से हम लोग कुछ चीजें कर लेते हैं, छोटी छोटी रेमेडी, छोटा सा डोनेशन हम लोग कर लेते हैं, तो आगे आने वाली दिवाली तक, जैसे आपने बहुत प्यारा सा स्लोगन बना दिया कि इस दिवाली कैसे हम लोग बने मानामाल, तो अगले दिवाली तक डेफिनेटली हमारा सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हमें रिश्तों में माला माल बनना होता है, हमें पैसों के बारे में माला माल बनना होता है, स्टॉक मार्केट में होने दीजिए, बिजनेस में ग्रोथ होने दीजिए। तो अगर राशि के हिसाब से आप पर्टिकुलर देखिए, हर चीज़ हर प्लैनेटरी डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग कुछ चीज़ें डोनेशन में देते हैं, हम लोग उसी तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट के हिसाब से अगर आप पूजा विधि करते हो तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होते हुए हम लोग देखते हैं। तो इस दिवाली हम लोग हर दिवाली में काफ़ी सारी रेमेडीज अपने क्लाइंट्स के साथ, व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ, तो इस दिवाली भी कुछ स्पेशल रेमेडीज मैंने आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ। बहुत बड़ी अमावस्या होती है, उस दिन बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि अमावस्या के दिन पूजा नहीं करते हैं, बट इस दिवाली आपको स्पेशली माँ लक्ष्मी जी की, माँ गणेश जी की और सरस्वती की पूजा हमें करनी है। मैं बहुत बार आप लोगों को बोलती हूँ कुबेर जी की पूजा तो हम लोग करते ही है, बट जब माँ लक्ष्मी की पूजा आप करते हो तो यस, धन वृद्धि होती है, फिर गणेश जी आपका ईगो कंट्रोल करने में आपको हेल्प कर ले, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा सा ईगो आ जाता है, तो गणेश जी हमें उसमें हेल्प करते हैं। जब पैसे आते हैं तो बहुत बार जितने सारे लोगों से मैं मिलती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि पैसे कहीं सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, गलत जगह पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यस, इस दिवाली अगर आप माँ सरस्वती की भी पूजा करोगे तो आपकी डिसीजन पावर जो है, जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पर्टिकुलर एक डिसीजन चाहिए होता है, वो बहुत सही तरीके से होगा। इसलिए इस दिवाली आप माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की और गणेश जी की पूजा करोगे, साथ में कुबेर जी और धन्वंतरी की भी पूजा हम लोग डेज वाइज करते हैं, तो अगर एटलीस्ट लक्ष्मी पूजन के दिन इन तीनों देवताओं को अगर आप पूजते हो तो यस, अगले दिवाली तक आप बहुत अच्छे से मालामाल हो सकते हो। चले मैम, ये तो आपने एक तरीका बताया कि किस तरीके से इस दिवाली हम मालामाल हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं राशि के अनुसार, क्योंकि हर फ्राइडे कुछ स्पेशल होता है, अगर मैं आज राशि के अनुसार आपसे सवाल करूं कि अगर मैं इस राशि की हूं तो मुझे किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से मैं माला माल हो सकती हूँ, तो मैम क्यों ना आज हम राशि के अनुसार बात करें और धीरे धीरे एक एक करके 12 राशियों पर आपसे बात करते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कुछ खास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे मेष राशि के बारे में जानना चाहूंगी। यस रूपाली, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि राशि के हिसाब से क्यों की जाने वाली है हमारी रेमेडीज, इस बार अगर आप देखोगे तो तुला राशि में सूर्य, बुध,
मंगल और चंद्रमा ये सारे प्लैनेट एकत्रित होने वाले हैं। और अगर तुला राशि के हिसाब से, मतलब स्वामी तुला राशि का होता है शुक्र, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए क्योंकि ये हम लोगों का स्टडी होता है कि कौन से राशि में कौन से ग्रहों का आगमन होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी अमावस्या होती है और काफी सारे प्लैनेट्स यहाँ से चेंज होने वाले हैं। जब प्लैनेट चेंज होने वाले होते हैं तो यस, तुला राशि में जब शुक्र, मतलब तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, और वो लग्जरियस मतलब प्लैनेट हम लोग उसे बोल देते हैं, रिचेस्ट प्लैनेट होता है। फिर सूर्य सारे ग्रहों के राजा होते हैं, मंगल ग्रहों का सेनापति होता है, और बुध जो होता है वो ग्रहों का राजकुमार होता है, और चंद्र मतलब हमारे मन का कारक होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है प्लैनेटरी डायरेक्शन का, जो राशियों में ये सारी चीजें ऐड हो रही है, तो ये सबसे बड़ी अमावस्या के दिन सभी के लिए बहुत लकी होने वाला है। तो अलग अलग राशि के हिसाब से हम लोग अलग अलग जब सारी चीजें उपाय जब हम लोग करने वाले हैं, छोटी छोटी रेमेडीज जब हम लोग करने वाले हैं, तो सबसे मेन चीज हम लोग इन प्लैनेट को खुश करने के लिए करने वाले हैं, जिसमें होगा तुला राशि, जो शुक्र प्लैनेट को हम लोग खुश करने वाले हैं। मेन आपका जो होल्डिंग पावर है, आपकी जो अथॉरिटीज है, उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग उपाय करने वाले हैं। फिर माइंड जब एग्रेसिव होता है उसे कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडीज आपको हेल्प करने वाली है। यस, काफी सारे रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए और डिसीजंस मेकिंग के लिए हर राशि के हिसाब से मैंने काफी सारी रेमेडीज आपको दी है। यस रूपाली, अभी बात करते हैं मेष राशि के लिए। जो मेष राशि है इनको अगले दिवाली तक हमें कैसे माला माल बनाना है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है आज की, इन लोगों को हमें अगले दिवाली तक कैसे माला माल करना है। देखिए दिवाली के दिन आपको सरस्वती जी की पूजा करनी ही है, जैसे हमने बोला है। उस दिन आप जब लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी की पूजा करोगे तो आपके घर में घंटा नाद और शंख का नाद होना बहुत जरूरी है। जो घर में काफी सालों से निगेटिविटी एक जमा हुई है वो निकलने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नॉट ओनली फॉर द दिवाली, आप महीने में किसी भी एक दिन सैटरडे या फ्राइडे के दिन अगर आप घंटा नाद और शंख नाद घर में कर लेते हो तो ज्यादा बेटर होगा। और एज पर यू नो रूपाली की मैं हर बार कुछ ऐसी चीजें डोनेट करने के लिए बोलती हूँ, डोनेशन से आपको बहुत अच्छा फायदा तो होता है, बट पर्टिकुलर डोनेशन किसे करना चाहिए जो आपके राशि के हिसाब से आपको और उचित फायदा देगा। तो यस डेफिनेटली 15 से 25 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको अगर आप कोई भी नए कपड़े डोनेट करते हो, नए वस्त्र डोनेट करते हो इस दिवाली, आप दिवाली शुरू होने के पहले भी कर सकते हो, दिवाली के दिन भी कर सकते हो, तो इन बिटवीन दिवाली में आप जब आपके क्लोज वन होने दीजिए, सबसे बेस्ट डोनेशन होता है जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, उन लोगों को अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा, और क्लोज फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में भी आप कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो मेष राशि के लिए अगले दिवाली तक बहुत अच्छा समय चालू हुआ है। जी बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत अच्छा बताया, और जो उपाय आप हर बारी हमें बताती है कि हमें ये उपाय कर लेना चाहिए जो कि हमारे राशि के अनुसार वो हमें सूट करता है, और उस तरीके से आप हमें हर बार बताती है, ये काफी अच्छा उपाय आपने हमें बताया। मैम आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं और किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। यस यस रूपाली, इस बार मेष राशि के लिए डेफिनेटली सरसों के तेल के दिए आप आपके पूरे घर में लगा दीजिए। अगर नंबर ऑफ दिए 51 हो गए तो ज्यादा बेटर होगा। घर के हर कोने में सभी के लिए ये रेमेडी रहेगी कि घर के हर कोने में आपको उजाला उस दिन करना है, और साथ में वृषभ राशि के लिए स्पेशली अगर सरसों के तेल का दिया आप जलाते हो और साथ में हर दिए में एक लौंग अगर आप डाल देते हो तो काफी सारे दिनों से जो स्टकअप चल रहा है आपके बारे में, आपके पैसे स्टक हो रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी स्टक हो रही है, जॉब में दिक्कतें आ रही है, बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा इस दिवाली से। और पॉसिबल हो तो काफी बार, देखिए यहाँ पे भी अलग तरीके से मैं आप लोगों के साथ डोनेशन के लिए कुछ अलग चीजें बोल रही हूँ, जैसे तेल और मसालों का दान अगर हम लोग कर लेते हैं तो वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा डोनेशन रहेगा जो अगले दिवाली तक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जिन भी लोगों को जरूरत है तो आप उनके घर में आपके हिसाब से जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना तेल, और जिस भी तरीके से पैकेट वाले मसाले आप दे सकते हो, घर में बनाए हुए ड्राई मसाले आपको डोनेट करने हैं।
तो अगले दिवाली तक आप भी माला माल बन जाओगे। तो वृषभ ऋषि के जो जातक है वो इस बार सरसों के दिए जला सकते हैं, उसमें आप लौंग डाल सकते हैं और इस तरीके उपाय आप कर सकते हैं। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। यस, मिथुन राशि के लिए भी ये दिवाली और अगले दिवाली तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कि हमने बोला कि हमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा करनी है, बट हाँ मिथुन राशि को और दो भगवान ऐड करने हैं, जिसमें रहेंगे शिव पार्वती जी की आपको पूजा करनी है। और जब भी आप ये पूजा करोगे तो यस, सफेद रंग के मिठाई का सेवन, मतलब सफेद रंग में काफी सारी मिठाई मार्केट में दिवाली के फेस्टिव सीजन में तो हमें बहुत सारी मिठाइयाँ मिल ही जाती है, तो यस किसी भी व्हाइट कलर की मिठाई का आप सेवन करके दिन की शुरुआत करिए। बहुत जरूरी होता है कि आप दिन की शुरुआत उस दिन कैसे करने वाले हो, तो मिथुन राशि के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे बोलूंगी कि सफेद रंग की मिठाई खा के आप आपका दिन शुरू करिए। और जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें आपको रेड कलर के क्लोथ्स गिफ्ट करने हैं, तो अगले दिवाली तक आपको मतलब लाइक लक्ष्मी जी की कृपा इतनी बनी हुई रहेगी कि आपको काफी सारे गिफ्ट खुद होके आएगी, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज का फ्लो बढ़ेगा और काफी अच्छे रिलेशनशिप की बाउंडिंग आपकी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा मैम, ये मिथुन राशि में मुझे मिठाई वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि अगर जिनको डायबिटीज है वो भी खा सकते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैम अब बात करते हैं कर्क राशि। मिल जाती है रूपाली। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे या क्या रेमेडीज आप देना चाहेंगे? यस, कर्क राशि के लिए डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। बस पूजा में थोड़ी सी अलग अलग हम लोग थिंग्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने सफेद मिठाई का सेवन कर लिया और हम लोगों ने दो भगवान ऐड कर दिए जो मिथुन राशि के लिए थे। अब कर्क राशि में बहुत सिंपल तरीके से पूजा तो हम लोग विधि पूर्वक करने ही वाले हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती रहने ही वाले हैं। उसमें अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा जब करोगे तो पांच कौड़िया, मतलब जो हम लोग बचपन में खेलते थे वो सफेद छोटे से शंख जैसे आते हैं, आप लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा पांच कौड़िया, थोड़ा केसर आपकी पूजा में होना चाहिए। और यस, आपके दिन की शुरुआत बड़ी शक्कर जो होती है, जिसे हम लोग खड़ी शक्कर बोलते हैं, उसका सेवन करके अगर आप दिन की शुरुआत करोगे तो आपके लिए हर साल के तरह ये साल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए डोनेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जिस भी मंदिर या फिर चर्च, जो भी आपका रिलीजन है, क्योंकि दिवाली ऐसे फेस्टिवल है कि हर कोई सेलिब्रेट करता है, तो आप आपके धार्मिक स्थलों पे जाके उन लोगों को पूछिए कि मंदिर में या फिर चर्च में किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ का अगर आप गिफ्ट वहाँ पर कर सकते हो, उस चीज़ की सामग्री अगर आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा डोनेशन हम लोग उसे बोल सकते हैं, या फिर ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा आपके अगले दिवाली तक सारी विशेष कंप्लीट करने के लिए। जिस भी रिलीजन से हो, उस मंदिर में आपको बस उन लोगों को पूछ के अगर कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मंदिर में इस चीजों की जरूरत है, या तो फिर आप अगर वहां पे कोई गिफ्ट नहीं कर सकते हो तो एक प्रॉपर इनवेलप में आप जितना भी अफोर्ड कर रहे हो उतनी अमाउंट डाल के आप मंदिर के डोनेशन बॉक्स में दे सकते हो। चलिए तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा मैम ने इजी लेकिन कारगर उपाय मैम ने बताया है। मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। यस, सिंह राशि के लिए डेफिनेटली ये दिवाली बहुत बहुत अच्छी होने वाली है सभी राशियों के लिए, क्योंकि जैसे ही हमने बोला है तुला राशि में शुक्र, सूर्य और चंद्रमा और उसके साथ में मंगल ग्रह का आगमन हो चुका है, तो सारी राशियों के नसीब तो खुलने ही वाले हैं। बस सिंह राशि को बहुत अलग थोड़ी सी तरीके से पूजा आपको करनी है। लक्ष्मी पूजा में पहले हमने देखा कि हमने कौड़िया और केसर यूज किया था कर्क राशि के लिए। जो भी सिंह राशि के व्यक्ति है उन्होंने लक्ष्मी पूजा में 11 साबुत हल्दी की गाठे, हम लोग जिसे बोल लेते हैं, तो साबुत हल्दी और गुड़ का भोग हमें वहां पे लगाना है। गुड़ का भोग लगाने से आपका दिन भी शुभ जाएगा और दिन की शुरुआत भी आप लोगों को गुड़ के साथ करनी है। और आपको डोनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो कुछ चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
उन्हीं लोगों को अगर आप पीला वस्त्र डोनेट कर सकते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस दिन हम लोग एक्चुअली डोनेशन नहीं बोलेंगे, इस दिन हम लोग गिफ्ट बोलेंगे। अगर आप जो भी ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको अगर आप गिफ्ट कर देते हो येलो कलर के क्लोथ्स, तो आपके लिए अगली दिवाली तक बहुत बहुत ब्राइट चांसेस है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होने के लिए आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये बहुत इजी रेमेडी आपने बताया कि गुड़ से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं पीले वस्त्र का। मैम आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। यस, कन्या राशि के लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखिए दिवाली के दिन हम लोग लक्ष्मी बोल के एक छोटा सा ब्रूम घर पे लेके आते हैं, झाड़ू हम लोग घर पे लेके आते हैं और उसकी हम लोग पूजा करते हैं, उसे ही हम लोग लक्ष्मी मान के हम लोग पूजा करते हैं। तो इस दिन थोड़ा सा अलग तरीके से आपको 3 झाड़ू पहले खरीद लेने हैं, 3 झाड़ियों की आपको पूजा भी करनी है, उसके बाद में 2 झाड़ू जो है वो आपको मंदिर में डोनेट कर देने हैं, मतलब मंदिर में आपको इसको गिफ्ट कर देने हैं। उसके बाद में जब आप ये डोनेशन दोगे, ये गिफ्ट करोगे, तो यस कोई भी लाइक उसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लेवर्ड की आप अगरबत्तियां दे सकते हो गिफ्ट, फ्लेवर्ड की आप कैंडल्स दे सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कन्या राशियों के लिए हमेशा यही होता है कि बहुत द्विविधा मन स्थिति रहती है, डिसीजन पावर कम रहती है, और वो लोग बस सोचते रहते हैं करने के लिए, वो बस सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझसे ये नहीं हो सकता है या हो सकता है, या मैं करूँ या ना करूँ। तो ये द्विधा मन स्थिति अगर आपको चेंज करनी है और लक्ष्मी का आगमन इजीली आपके पास चाहिए, तो यस डेफिनेटली ये उपाय आपके लिए बहुत सटीक तरीके से काम करेगा। चलिए तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इजी लेकिन बहुत कारगर रेमेडी मैम की तरफ से आती हुई। मैम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। यस, बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभार हमें थोड़ा सा पूजा का तरीका चेंज करना पड़ता है। जिस तरीके से तुला राशि में शुक्र का आगमन हो चुका है, मतलब कुबेर का आगमन हो चुका है, तो तुला राशि के लिए अगर कुबेर यंत्र आपको आसानी से किसी भी भगवान जी की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पे मिल जाएगा, छोटा सा कुबेर यंत्र आप खरीद लीजिए और उसकी पूजा हमें करनी है, और 108 बार माँ लक्ष्मी का जाप भी आप कर लीजिए। बहुत सारे जाप आपको मिल जाएंगे गूगल सर्च करोगे तो आप, और उसका 108 बार इवनिंग में, मतलब लक्ष्मी पूजा के इवनिंग में अगर आप मंत्र जाप कर लेते हो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग, मतलब लाइक अगेन 3 अलग अलग टाइप के स्वीट्स, मतलब एक ही तरीके से स्वीट्स हम लोगों को नहीं गिफ्ट करने हैं, हमें 3 अलग तरीके के स्वीट्स खरीदने हैं, और 3 अलग तरीके के स्वीट्स आपको 3 तरीके के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, गिफ्ट करने हैं। सबसे बेस्ट डोनेशन अगेन रूपाली में यही बोलूंगी कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम लोग बहुत प्लेजर है, बट काफी सारे लोगों को मिठाई का सेवन करना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। अगर उन लोगों को आप मिठाई दोगे और उनके फेस का जो हैप्पीनेस आप देखोगे, तो तभी आप रियलाइज करोगे कि यस ये सबसे बेस्ट गिफ्ट मैंने आज दिया है। और कोशिश करिए ऐसे ही लोगों को अगर आप गिफ्ट करते हो तो आपके गिफ्ट का मतलब भी बढ़ जाता है, और आप हमें एक मानसिक समाधान मिल जाता है कि यस मैंने जो किया है वो सही किया है और मेरे लाइफ में अभी सारी चीजें सही होना शुरू हो जाने वाली है। जी तो तुला राशि के जो जातक है वो लक्ष्मी जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, कुबेर यंत्र की पूजा कर सकते हैं, और 3 तरह के मिठाई जो भी जरूरतमंद है उनको आप खिला सकते हैं। तो काफी इजी लेकिन काफी कारगर रेमेडीज मैम की तरफ से आती हुई। मैम आगे बढ़ते और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। यस, वृश्चिक राशि के लिए बहुत सिंपल है, मतलब लाइक काफी बार ऐसे आपको लग रहा है कि मेरे काम ही नहीं बने हुए हैं, या फिर मेरे पूर्वज मेरे से नाराज है। बहुत बार हम लोग कहीं जगह हमारी पत्रिका दिखाने जाते हैं तो तब बोला जाता है कि आपके ऊपर थोड़ा पितृद्वेष चल रहा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, बट इस दिवाली सारे दोष निकालने के लिए बहुत सटीक उपाय मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सही तरीका रहेगा आपके दिमाग से सारी चीजों का बोझ उतारने के लिए। इस दिवाली बस एक सिंपल एक काम कर लीजिए, आपके घर के आसपास जो भी गार्डन है
घर के आसपास, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि घर में हम लोग पीपल का वृक्ष अलाउड नहीं करते, तो घर के आसपास अगर आप पीपल का वृक्ष लगा देते हो, पॉसिबल है घर के आसपास लगाना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें उसका अगले दिवाली तक ध्यान भी रखना है, उसे मीठा जल भी चढ़ाना है, और अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे जाके आप जब भी आपको पॉसिबल है हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार सरसों के तेल का दिया आप अगले दिवाली तक अगर वहाँ पे लगा लेते हो, तो वो जो प्रेशर है आपके दिमाग पे कि ये काम नहीं हो रहा है, मुझे कहीं कुछ किसी चीज़ का मेरे लाइफ में चक्कर चल रहा है, तो वो निकालना शुरू हो जाएगा। एक जो बर्डन है आपके माइंड के ऊपर वो उतारते हुए आप लोग देखोगे, अगले दिवाली तक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए देखोगे। साथ में डोनेशन आपको करना है, गिफ्ट अगर आपको करना है तो यस, आफ्टर लॉकडाउन दिवाली के बाद स्कूल शुरू हो रहा है, और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर आप शिक्षा की सामग्री दे सकते हो, जैसे कि नोटबुक्स हो गए, पेन हो गया, वॉट एवर, जो भी आप को लग रहा है कि ये एजुकेशन रिलेटेड सामग्री बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे लोगों को अगर आप दे सकते हो तो इससे बेस्ट गिफ्ट आपके लिए इस साल नहीं रहेगा। जी, तो वृश्चिक राशि के जातकों वालों, आपके लिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैम ने एक रेमेडी, एक उपाय बताया, उसके साथ साथ आप किस तरीके से एजुकेशन को लेकर भी, बच्चों में एजुकेशन को लेकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जागरूकता आप फैला सकते हैं। आप उनको अगर स्टेशनरी का सामान डोनेट करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा उपाय मैम की तरफ से आता हुआ। मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि की, उस पर आप क्या एक उपाय देना चाहेंगे, किस तरीके से वो पूजा कर सकते हैं? यस, धनु राशि के लिए यस, धनवान बनने का बहुत अच्छा चांस है। जैसे कि हमने बोला कि गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की हमें पूजा करनी है, तो स्पेशली गणेश जी के लिए आपको 21 धूर्वा का अर्पण करनी है लक्ष्मी पूजा के दिन, और जब आप इस लक्ष्मी पूजा के दिन 21 धूर्वा अर्पण करोगे तो साथ में 21 बेसन के लड्डू का भोग भी आपको लगाना है, और जब आप 21 बेसन के लड्डू का भोग लगाओगे तो यस, 1.25 किलो बेसन के लड्डू का गिफ्ट भी आप जरूरतमंद लोगों में कर सकते हो, या फैमिली और फ्रेंड्स के यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो बेसन के लड्डू का गिफ्ट पैक करके आप अगर लेके जाते हो तो अगले दिवाली तक आपको भी धनवान माल बनने के ब्राइट चांसेस खुल जाते हैं। तो ये कुछ उपाय थे धनु राशि के जातकों के लिए जो मैम की तरफ से आए हैं, आप जरूर उसके इम्प्लीमेंट करिए उसको अपनी लाइफ में, और फिर माला माल होने का जो उपाय मैम ने बताया वो तो कारगर है। मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के बारे में। यस, मकर राशि के लिए अगले दिवाली तक आपकी जो भी अभी फिलहाल की प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो वो सॉर्ट आउट करने के लिए अगर आप 11 कमल के फूल, देखिए लक्ष्मी जी को कमल के फूल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, काफी बार आप लोग पिक्चर्स में भी देखते हो, मतलब जो पिक्चर्स हम लोग गूगल सर्च करते हैं, लक्ष्मी जी की पिक्चर अगर आपको मिल जाएगी तो कमल के फूल पे लक्ष्मी जी बैठी हुई होती है, और लक्ष्मी पूजन के दिन डेफिनेटली इस फूल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मकर राशि के लिए तो हम लोग 11 फूल बोल रहे हैं, बट सारी राशियों के लोगों ने अगर कमल का फूल अगर उस दिन अर्पण किया लक्ष्मी जी को तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है पूजा में लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। तो इस दिन मकर राशि के लिए स्पेशली 11 कमल के फूल लेने हैं और 108 गुलाब के फूल अर्पण करने हैं लक्ष्मी जी को, और उसके साथ जब आप अर्पण कर रहे हो, हर एक फूल जब आप अर्पण कर रहे हो तो करते करते आपको कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करना है, जितनी भी बार आपसे पॉसिबल होगा 6 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो, या 21 बार आप कर सकते हो। और यस, जो भी लाइक हम लोग बोलते हैं ना, मैरिड लेडीज है, जो भी जरूरतमंद लेडीज है उनके लिए आप डेफिनेटली पिंक कलर के वस्त्र उस दिन गिफ्ट कर सकते हो, तो अगले दिवाली तक आपके जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं या फिर नहीं भी चल रहे तो आपकी गाड़ी एकदम रूटीन में आ जाएगी और आपकी लाइफ गुलाबी गुलाबी होते हुए आप देखोगे। जी, तो मकर राशि के जातकों के लिए मैम ने एक रेमेडी बताया जिसके वजह से आप अगले दिवाली तक काफी अच्छा इसके परिणाम आपको मिल सकते हैं, और गुलाबी गुलाबी मैम ने बोला है कि इस तरीके से है आपकी लाइफ होने वाली है। मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। यस, आखिरी 2 राशियां बची हुई है और उसमें कुंभ राशि के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। कुंभ राशि भी इस लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि काफी सारी दिक्कतों का सामना कर चुकी है, मतलब रिलेशनशिप होने दीजिए,
फंड प्रॉब्लम होने दीजिए, बिजनेस ग्रोथ प्रॉब्लम होने दीजिए, तो यस डेफिनेटली इस बार आपकी नसीब की गाड़ी चेंज होने वाली है और आपकी गाड़ी सही ट्रैक पे चल के आपका नसीब भी भागने वाला है आपके साथ। बस आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, 21 बार उस दिन लक्ष्मी पूजा के दिन आपको 21 बार श्री सुक्तम का पाठ करना है और 21 गुलाब और 21 कमल के फूल लक्ष्मी जी को आपको अर्पण करने हैं। और जो भी छोटे बच्चे हैं जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं बट कुछ लोग फटाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर उन लोगों में आप खुशियां बांट सकते हो तो लाइक आपके जीवन में भी अच्छे फटाके फोड़ना चाहते हो, मतलब धमाके चाहते हो अच्छे अच्छे, तो डेफिनेटली जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए अगर आप फटाखों को गिफ्ट कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट डोनेशन होगा। अगले दिवाली तक आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज का ग्रो देखने के लिए इतनी सिंपल रेमेडीज से आप बहुत सारी चीजें पाने वाले हो अगले दिवाली तक। चलिए, तो सिंपल उपाय लेकिन कारगर असर इसका मैम ने हमें बताया है। अब हम लास्ट की जो राशि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं अब मीन राशि के बारे में, उनके लिए आप क्या बताएंगे किस तरीके से वो लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं इस दिवाली, और इसके साथ क्या उपाय आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगी? यस, मीन राशि के लिए डेफिनेटली हमारी दिवाली लक्ष्मी पूजा के दिन शुरू हो जाती है। एक्चुअली हम लोग काफी सारी दिनों से हम लोगों की दिवाली हमारी हर एक रिलीजन के हिसाब से हम लोग शुरू कर देते हैं, बट मीन राशियों के लिए स्पेशली जिनकी मीन रास है उनकी 3 दिन पहले से शुरुआत होनी चाहिए। और वो शुरुआत आई एग्री कि यंगस्टर्स के लिए या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है आजकल यंगस्टर के लिए स्पेशली, बट 3 दिन आपको आपके माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुबह उठ के पहले लेना है। जैसे हमने मिठाई का सेवन करके दिन शुरू करने की कोशिश की थी पहले राशियों के लिए, मीन राशि के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा सुबह उठते ही अपने माँ और पापा के चरण छू लेना है। उनको भी छोटा मोटा शौक लगेगा कि मेरे लड़के को या मेरी लड़की को हुआ क्या है, बट हाँ इस ऐसे करने से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है और रेगुलरली करते रहोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बट एटलीस्ट दिवाली की शुरुआत से 3 दिन पहले से आपको ये काम करना है, साथ में लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करना है 3 दिन 108 बार कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हो, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हो, कनकधारा स्त्रोत्र आप कर सकते हो, तो इसमें से जो भी पॉसिबल है, या फिर सिंपल ओम लक्ष्मी का मंत्र भी आपको मिल जाएगा गूगल सर्च करोगे तो। 3 दिन कंटिन्यूसली आपको 108 बार जाप करना है। फिर पूजा में डेफिनेटली आपको 3 नारियल और सफेद मिठाई का भोग लगाना है, और यस जो आपने 3 दिन से काम किया था अपने मॉम डैड के पैर छूना शुरू कर दिया था तो उनके लिए उनकी मनपसंद, मतलब आपको समझना चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे डैड को नए नए कपड़े नए मोबाइल्स पसंद है, तो इस दिवाली मैं प्लान करूंगी कि मैं अपने डैड को मोबाइल गिफ्ट कर दूं, या फिर मैं अपने डैड को मॉम डैड को कोई ट्रैवल ट्रिप प्लान कर लूँ। तो इस तरीके से हम लोग जिस भी तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं उनका, मतलब लाइक उनकी विश होनी चाहिए और वो आपको पता होनी चाहिए, वो अगर आप उन्हें गिफ्ट करोगे तो इससे प्यारा गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं होगा, और डेफिनेटली अगले दिवाली तक उनके ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, बट उनके ब्लेसिंग के साथ अपनी हमारी अगली दिवाली अमेजिंग रहेगी, अगले दिवाली तक का टाइम हमारा अमेजिंग रहेगा। चलिए, तो ये मीन राशि के जातकों के लिए मैम ने बहुत अच्छा उपाय हमें बताया है। आप अपने माता पिता के चरण को स्पर्श कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, हालांकि आशीर्वाद तो उनका साल दर साल हमारे साथ बना रहता है, लेकिन दिवाली के 3 दिन पहले आप जरा इस पे ध्यान दीजिए और इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। चलिए मैम, ये तो रही राशियों पे हमने जाना कि किस तरीके से हम इस बार दीपावली में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, इसके साथ हमने ये भी जाना कि क्या कुछ उपाय हम इस दिवाली कर सकते हैं। लेकिन मैम एक ये होता है कि पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि किस मुहूर्त पे करें, अभी पूजा करना चाहिए या आधे घंटे बाद या 1 घंटे पहले करना चाहिए, इस पर मैम आप क्या कुछ कहेंगे अगर हम पूजा की मुहूर्त की बात करें तो? यस, पूजा का भी मुहूर्त बहुत जरूरी होता है क्योंकि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको पता है कि हर चीज में नंबर्स के हिसाब से काम करती हूँ, और जिस तरीके से मैंने अभी राशियों के हिसाब से आपको बताया है, यस आनंदी जीवराज जी गुरु के लिए इसमें काफी सारी फॉर दिवाली रेमेडीज मैंने दी है,
और आपको तो पता है ये बुक हिंदी और इंग्लिश में अमेजोन पे भी, सॉरी मराठी में हार्ड कॉपी है मेरे पास, और इंग्लिश में ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इसमें छोटी छोटी टिप्स है क्या डोनेशन करना है, किस तरीके से दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी है, तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और यस डेफिनेटली मुहूर्त के हिसाब से अगर हम लोग पूजा करते हैं, मतलब सही टाइम के हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं, तो वो पूजा हमारी बहुत अच्छी तरीके से मतलब भगवान जी के पास भी पहुंचती है। हर चीज का सही टाइम होता है, तो यस हर चीज का सही मुहूर्त भी होता है। तो हमने सुबह और शाम दोनों चीजों दिनों के मुहूर्त मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही लिया है। आप देख सकते हो 4th November, 5th November को हमने दिया हुआ है सारा टाइम जी। तो आपकी स्क्रीन पे आपको सारी टाइमिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि टाइमिंग्स मैटर अलॉट अगर आप पूजा करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। लेकिन इस बार दीपावली में आप किस मुहूर्त पे लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा मैम, ये तो रही मुहूर्त की बात, लेकिन अगर हम सामग्री की बात करें तो उसके लिए क्या आपके पास कुछ ऐसी सामग्री है जिसका हम यूज कर सकते हैं इस दिवाली? ये रूपाली बहुत जरूरी होती है, बहुत छोटी 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 बातें होती है जो हमें पता नहीं होती है कि इसका यूज क्या है, लक्ष्मी जी को कौन सी चीजें पसंद है कौन सी चीजें नहीं पसंद है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो चीज पसंद नहीं है वो अगर हम लोग अर्पण कर देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आती है, बट वो हमारे माइंड में रहता है कि ये मुझे नहीं करना था और मैं कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर जो चीजें लक्ष्मी जी को पसंद आती है और जो पूजा में होनी चाहिए स्पेशली, जिससे आपके घर में आपकी सारी सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए हेल्प हो जाती है। और दिवाली ऐसे फेस्टिवल है कि हम लोग सब लोग साथ में मिलके करते हैं, तो सभी लोगों के हिसाब से ये सामग्री मैंने बनाई है। इजी वे है, बस आपको पूजा में बैठना है। इसमें हर वो चीज है, और इसमें काफी सारे 2-3 पैकेट्स आप देखोगे जो अलग है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बने हैं जिसका हवन करने के लिए, और कुछ चीजें मैं मेन डोर पे लगाने के लिए आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कुछ चीजें आपको आपके लॉकर में रखनी होती है। इन सारी चीजों से डेफिनेटली, जैसे हमने राशियों के हिसाब से माला माल होने के लिए बोला है, हर नंबर हर बर्थडे के लिए ये पूजा की सामग्री बहुत उपयुक्त ठहरती है। जी बिल्कुल। तो आज हमने मैम से समझा कि अगर आप दीपावली की पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं इस दिवाली, और क्या कुछ उपाय आप इस दिवाली कर सकते हैं वो हमने मैम से जानने की कोशिश की। आप दिवाली की सफाई करते हैं, दिवाली में रंगोली बनाते हैं, घर को सजाते हैं, पेंट करवाते हैं, लेकिन पूजा में भी आपको किस तरीके से सामग्री को इंक्लूड करना चाहिए, किस टाइम पे आपको पूजा करनी चाहिए, वो भी मैम ने बहुत अच्छे से बताया। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आज का ये जो फ्राइडे का हमारा शो होता है इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक टच करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली मैम, यू टू। चलिए, तो ये थी शीतल बाखरे जी, जिनसे हमने आज जाना कि दिवाली में आप किस तरीके से लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और क्या कुछ उपाय को भी आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, आज के शुभांक में, फ्राइडे के शुभांक में बस यही था, और बाकी के मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप देखते रहिए फाउंडर इंडिया।